हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैथ की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एवरेज चैप्टर से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। और इस वीडियो के एंड में मैं आपसे पूछूंगा 3 सवाल जो कि एवरेज चैप्टर से होंगे, तो आप उनका आंसर भी जरूर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचने स्टार्ट हो जाएंगे। करंट अफेयर की वीडियो का टाइमिंग है सुबह 7 बजे, फिर दोपहर को आपको 3 बजे मिलती है रीजनिंग की वीडियो, और फिर रात को मिलती है 9 बजे मैथ की वीडियो। और ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये 20 डे का क्रैश कोर्स है, जिसमें आपको सारे चैप्टर कवर करा दिए जाएंगे। बस आप लगातार वीडियो देखते रहिए, प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। और देखिए दोस्तों, इन सभी एग्जाम के लिए ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल है, आप ये भी डायरेक्ट परचेज करके, नीचे लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डायरेक्ट परचेज करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये डिस्काउंट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये जो ₹120 लिखे हैं आफ्टर डिस्काउंट लिखे हैं, तो डिस्काउंट कोड है आपका SOURABH SPL, तो इसको यूज करके आप डिस्काउंट भी ले सकते हैं ₹30 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा एंड तक तो जरूर देखेंगे और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करेंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी अपने दोस्तों में जरूर करिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए सिंपल से स्टार्ट करेंगे, फिर आपको अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। और देखिए एवरेज चैप्टर इतना ईजी लगेगा आपको, और जितने भी ये क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ ये ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस सीरियसली आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ नंबर ऑफ सीरीज 40, 43, 46, 49 एंड 320 विल बी, मतलब कि 40 से लेके 320 नंबर तक के आपको एवरेज बताना है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे किसी भी लगातार नंबर का या फिर कोई भी लगातार नंबर जिनका डिफरेंस सेम हो, यानी कि इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस, इसी तरीके से 3, 3 का डिफरेंस चल रहा होगा, तो उनका आपको एवरेज कैसे निकालना होता है ये देख लीजिए। बस आपको कुछ नहीं करना, पहला नंबर और लास्ट वाला नंबर को ऐड करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका एवरेज आ गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी लगातार नंबर, देखिए 1 से 100 तक का अगर एवरेज पूछ जाए तो 1 को और 100 को प्लस करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए 50 से 100 तक का एवरेज निकालना है, तो 50 को और 100 को प्लस करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए आपसे पूछ ले जाए 20 से 30 तक का एवरेज, तो 20 को और 30 को प्लस करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी लगातार नंबर का एवरेज, यानी कि जो जिनके बीच का डिफरेंस सेम रहे, ठीक है, या फिर ये भी बोला जा सकता है, जैसे यहाँ पे दिया गया है कोई भी नंबर दिया जा सकता है, बस उनके बीच का आपको डिफरेंस चेक करना है। अगर डिफरेंस सेम है तो बस पहला नंबर और लास्ट वाला नंबर को प्लस करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 320 और 40 कितना हो जाएगा, 360, और 360 को आप 2 से भाग कर दें कितना हो जाएगा, 180, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये मतलब क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बट कई बार आपको चीज़ों को नहीं पता होता तो आप रोंग कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये आपको समझा दिया। ये क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। इसको ट्राई भी करते रहिए साथ साथ में कि आप कितना कर पाते हैं, ठीक है। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाते हैं तो इसका मतलब है आपकी प्रिपरेशन अच्छी है और आप एग्जाम में जरूर स्कोर कर पाएंगे अगर एवरेज का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी आपका राइट आंसर है तो उसे कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। क्वेश्चन हिंदी में भी इंग्लिश में भी है, तो मैं हिंदी में करा देता हूँ। किसी कक्षा में 15 छात्रों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 40 किलोग्राम वजन के एक छात्र की जगह नया छात्र आ जाता है, नए छात्र का वजन किलोग्राम में कितना है। आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे बताया गया कि 15 छात्र एक क्लास में, और उसमें 1.5 किलोग्राम का औसत बढ़ जाता है जब एक छात्र 40 किलोग्राम का छात्र जाता है और एक नया छात्र आ जाता है। आप मुझे ये बताइए कि जो वजन है, औसत वजन है, वो कब बढ़ेगा। औसत वजन जब बढ़ेगा जब इस 40 किलोग्राम वाले छात्र के जाने पर एक जो नया छात्र आएगा वो 40 किलोग्राम से अधिक वजन अपने साथ में लेके आएगा, तभी तो वजन बढ़ेगा ना, औसत वजन तभी तो बढ़ेगा। आप खुद सोच के देखिए, यहाँ पे लिखा क्या है कि औसत वजन बढ़ गया 1.5 किलोग्राम से, और जो कि एक छात्र गया है और एक नया आया है, यानी कि छात्र अभी भी 15 ही है, एक गया और दूसरा आ गया, बट यहाँ पे जो चेंज हुआ है वो चेंज ये है कि 40 किलोग्राम वाला तो गया है और एक जो नए वाला आया है वो 40 से कुछ ना कुछ अधिक वजन लेके आया, इसलिए सभी का औसत उसने बढ़ा दिया। तो अब इसको समझते हैं, ये आपने समझ लिया होगा इतनी चीज़ें, इसकी ट्रिक जान लीजिए। कुछ भी कोई भी फॉर्मूला या फिर कोई भी आपको लेंथी कैलकुलेशन नहीं करनी है। यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 15, ठीक है। एक जाता है दूसरा आ जाता है तो 15 ही तो रहेंगे अभी भी,
वेट इंक्रीज कितने से हुआ, 1.5 किलोग्राम से, 1.5 किलोग्राम से वेट इंक्रीज हुआ। जो ओल्ड स्टूडेंट था जो गया है उसका 40 किलोग्राम था, और जो नए वाला आया है उसका 40 किलोग्राम तो हो गई होगा, प्लस कुछ और भी होगा एक्स्ट्रा, क्योंकि ये जो 1.5 किलोग्राम बढ़ा है ना, ये इसके एक्स्ट्रा वजन से ही बढ़ा है। जो एवरेज वेट बढ़ा है सभी का 1.5, 1.5, 1.5, ये इसके एक्स्ट्रा वेट लाने से बढ़ा है, ठीक है ना। औसत वजन आप समझते हैं ना क्या क्या होता है, जितने भी यहाँ पे 15 स्टूडेंट बैठे हैं उन सभी के वजन में 1.5 किलोग्राम इंक्रीज कर दिया है इस अकेले बंदे ने जो नए वाला आया है। ये 40 किलोग्राम तो अगर लेके आता तो कोई चेंज ही नहीं होता, ये 40 वाला जाता और 40 वाला आ जाता तो कोई चेंज नहीं होता। अब ये 40 के साथ में कुछ एक्स्ट्रा लेके आया इसलिए चेंज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा लेके कितना है ये हमारे सामने आता है कि कितना एक्स्ट्रा लेके आया। आप सीधा सीधा 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.5 की, क्योंकि औसत बढ़ा है, औसत बढ़ने का मतलब कि 15 के 15 स्टूडेंट का बढ़ा होगा पूरा का पूरा वेट। तो 15 की मल्टीप्लाई 1.5 में करेंगे तो 22.5 हो जाएगा, यानी कि इतना एक्स्ट्रा वेट ये लेके आया है। तो 40 तो अपने साथ में लेके आया ही आया होगा, प्लस ये 22.5 किलोग्राम भी एक्स्ट्रा लेके आया, तो इसका मतलब ये जो नया बच्चा आया है ये 62.5 किलोग्राम का है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ट्राई करते रहिए साथ साथ में, ठीक है। 3 क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है, यदि उनके शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर दी जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु है, देखिए 11 खिलाड़ियों की औसत आयु हमें पता चल गया 20 है, तो यहाँ से टोटल इनकी आयु हमें निकाल सकते हैं। औसत हमने कब निकाला होगा, जब जो टोटल आयु होगी उसे 11 से भाग कर दिया होगा तो ये 20 आ गया होगा। तो अब यहाँ पे पूछा जाए कि ये टोटल आयु क्या होगी, तो बस 20 की 11 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये फिर से दोबारा से टोटल आयु आ जाएगी। तो 11 खिलाड़ियों की टोटल आयु हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि उनके शिक्षक की आयु सम्मिलित कर दी जाए तो जो औसत है वो 10% से बढ़ जाता है, तो शिक्षक की आयु क्या होगी। तो दोबारा से फिर यहीं पे आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे 11 क्रिकेटर की जो एवरेज एज है वो 20 ईयर है, एक कोच जो आया है उसकी जो एवरेज एज है वो इंक्रीज हो जाती है 2 से, वो कैसे, यहाँ पे 10% से बोला गया ना, तो 20 का आप 10% निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, ये 2 ही तो आएगा। तो एवरेज इंक्रीज होता है 2 से, जब एक कोच ज्वाइन करता है, एक शिक्षक ज्वाइन करता है तो उसके ज्वाइन करने से 2 ईयर इंक्रीज होता है एवरेज एज। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे जो कोच था जो ये 20 ईयर का होता, यानी कि इसकी एज भी 20 ईयर ही होती तो कोई चेंज नहीं होता, बट ये 2 ईयर से इंक्रीज कर रहा है सभी की एज को, इसका मतलब ये 12 के 12 बच्चों की, यानी कि 11 तो क्रिकेटर और एक खुद की 2 से इंक्रीज करेगा, इसका मतलब 12 दूनी 24, तो 24 से इंक्रीज हो जाएगा, तो 20 प्लस 24 तो कितना हो जाएगा 44 ईयर। तो कोच की एज कितनी होगी, 44 ईयर। देखिए आप इसको ऐसे तो कर ही सकते हैं, प्लस आप इसको एक मेथड से और भी कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और ये जो ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। अगर ये चीज़ें आप समझ जाते हैं ना जो मैं समझा रहा हूँ, इसमें आपको कभी भी टाइम नहीं लगेगा, बस समझने में टाइम लग सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसमें और अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो दोबारा से वीडियो को देखिएगा, अगर फिर भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर दोबारा से मैं समझाऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन अभी आपका पूछा गया था किसी एग्जाम में, रेलवे के ही एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पे बोला गया है 8 संख्याओं का औसत 13 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिए जाए तो बताओ नया औसत क्या होगा। देखिए 8 संख्याओं का औसत हमें पता है, तो 8 संख्याओं का सम भी हम निकाल सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था 8 संख्याओं का औसत कैसे निकाला होगा, 8 संख्याओं का हमें सम पता होगा, उसको 8 से भाग कर दिया होगा तो औसत 13 आ गया होगा। अब पूछा जाए कि ये कितना है इनका, पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि सम कितना है। 8 संख्याओं का सम कैसे निकालेंगे, 13 की 8 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम, एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 13, और सम ऑफ 8 नंबर कितना हो जाएगा, 8 × 13 कर देंगे तो 104 हो जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर
देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो बताओ नए औसत क्या होगा। तो जब हम प्रत्येक संख्या में से 2 घटाएंगे इसका मतलब 8 हमारे पास नंबर है, 8 संख्या है, 8 संख्या दे रखी है क्वेश्चन में, उसमें सभी की सभी में से 2-2 घटाए जाएंगे यानी कि कितना घटाया जाएगा, 16 घटाया जाएगा, 8 × 2 = 16 हो जाएगा, सभी संख्या में 2-2 घटाया जाएगा यानी कि आपको ये 16 माइनस करना है। तो 104 में से 16 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 88, तो 88 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, 11 आपका औसत आ जाएगा नए वाला, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एवरेज चैप्टर बहुत ही आसान है, इससे बिल्कुल भी मतलब डरिए मत, घबराइए मत, और जैसे भी क्वेश्चन आए वैसे ही कर सकते हैं, बस थोड़ा सा लॉजिकली सोचते रहिए और जिस टाइप की से मैं करा रहा हूँ उसी तरीके से क्वेश्चन को करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका यहाँ पे, और इसमें दिया गया है 5 वर्ष पूर्व शादी के समय पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी, यदि अब उनके एक बच्चा भी है और बच्चे सहित पति पत्नी की औसत आयु 20 वर्ष है तो बच्चे की उम्र क्या होगी। देखिए 5 वर्ष पहले की बात की जा रही है, पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी, तो अगर मैं बात करूं पति पत्नी की आज की औसत आयु कितनी होगी, तो यहाँ पे पति पत्नी कितने हैं, 2 हैं, तो 2 की मल्टीप्लाई 23 में करिए, प्लस उसमें कर दीजिए कितने, 5 और 5 = 10, क्योंकि ये 5 वर्ष पूर्व की एज है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इनकी हस्बैंड वाइफ की ही एज निकाल लेते हैं, यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ की प्रजेंट एज क्या है, प्रजेंट एज तो हमें नहीं पता, 5 साल पहले का औसत पता है, ठीक है, तो 23 की गुणा हमने 2 में की तो कितना आ गया 46, ये 46 5 ईयर एगो की यानी कि 5 साल पहले की एज है, तो इसमें मैं 10 प्लस कर दूंगा 5 5, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस होने के बाद में 56, तो प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड वाइफ कितनी आ गई भाई 56 हो जाएगी। जब मैंने इसमें 5 5 दोनों की एज प्लस कर दी जो कि 5 साल पहले की एज थी ये, तो 56 ईयर हो जाएगा। अब मुझे हस्बैंड वाइफ की 5 साल सॉरी आज प्रेजेंट की, 5 साल पहले की तो ये थी, आज प्रेजेंट की एज पता चलेगी, वर्तमान एज 56 है। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन में बोला जा रहा है यदि अब उनके एक बच्चा भी है और बच्चे सहित पति पत्नी की औसत आयु 20 वर्ष है तो बच्चे की उम्र क्या है। तो यहाँ पे देखिए आज प्रेजेंट में 20 वर्ष है हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन की, बच्चे की एज, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 20 की मल्टीप्लाई 3 में कर दूंगा क्योंकि 3 मेंबर हो गए, वो 3 फैमिली मेंबर हो गए हैं हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन और उनकी औसत आयु दे रखी है 20, तो कितना होगी टोटल एज उनकी हो जाएगी 60, यानी कि प्रजेंट एज ऑफ हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन की 60 है और प्रजेंट एज ऑफ हस्बैंड वाइफ कितनी है 56 है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो भी आएगा वही एज ऑफ किड हो जाएगा, वही एज ऑफ चिल्ड्रन हो जाएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस आया 4 का, तो 4 साल का उनका बच्चा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपसे पूछा गया है, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, थोड़ा सा लेंथी है और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले पूछा गया है तो मैंने इसलिए ले लिया है, कई बार आ चुका है पहले एग्जाम में तो इसलिए मैंने इसको लिया है। तो यहाँ पे दिया गया है 3 व्यक्तियों ए बी सी का औसत भार 84 है, तो ए बी सी का औसत भार 84 है, अगर मैं इनका बोलूँ कि सम कितना है कुल औसत कुल इनकी एज का जो सॉरी इनका जो भार है वो कितना होगा तीनों का, तो 84 की मल्टीप्लाई 3 में कर दूंगा, ठीक है, इन टीम में एक और व्यक्ति डी शामिल होने से औसत भार अब 80 किलोग्राम हो गया है। अब मैं बात करूं ए बी सी का हो गया था, ए बी सी डी का भार कितना होगा, तो मैं 4 की मल्टीप्लाई 80 में कर दूंगा, तो ये आपका ए बी सी डी का चारों का भार आ जाएगा, ठीक है। यदि एक अन्य व्यक्ति ई जिसका भार भार डी से 3 किलोग्राम अधिक है, चलिए पहले क्वेश्चन को यहाँ तक सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ए बी सी का कुल भार कितना है, 84 × 3 किया मैंने 252 हो गया, ए बी सी डी का कुल भार कितना है 80 × 4 किया तो 320 हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए बी सी का मिल गया, ए बी सी डी का मिल गया। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है डी का भार, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यदि एक अन्य व्यक्ति ई जिसका भार डी से 3 किलोग्राम अधिक है, यहाँ पे एक बंदा और आया ई जो जिसका डी से 3 किलोग्राम अधिक वजन है किलोग्राम वेट है और ए का स्थान लेता है, वो ए का स्थान लेता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि डी का भार है कितना, तो डी का भार निकालने के लिए ए बी सी को माइनस कर देंगे ए बी सी डी में से, तो डी का भार आपका आ जाएगा 320 में से 252 जाएंगे तो 68 बचेगा, 68 में हम प्लस 3 कर देंगे क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है डी ई का भार डी से 3 किलोग्राम अधिक है, तो ई का भार कितना हो गया 71 किलोग्राम हो गया है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए का स्थान लेता है, जो ये ई आया है वो ए का स्थान लेता है, अब ए इसका मतलब चला गया, तो बी सी डी ई का औसत भार 79 किलोग्राम हो जाता है, तो ए का भार कितना है, यहाँ पे बी सी डी व ई का औसत भार 79 है तो ए का भार कितना है ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है,
ए बी सी डी ई का कुल भार कितना हो जाएगा जब 79 इनका औसत दिया है, तो ये चार है तो चार की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 316 हो गया यहाँ पे इन चारों का कुल भार। ठीक है, अगर मैं इसमें से डी और ई माइनस कर दूँ, ध्यान से सुनिएगा, बी सी डी ई में से, क्योंकि मुझे ई की भी एज पता है और डी की भी एज पता है, सॉरी एज बोल रहा हूँ, वेट पता है, तो इसमें से 316 में से अगर मैं इन दोनों की माइनस कर देता हूँ, डी और बी सी की, मुझे पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मुझे बी सी की एज निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे ए की एज पूछा गया है, तो उसके लिए ये स्टेप मुझे लेना पड़ेगा। तो 68 माइनस कर देंगे जो कि डी की एज है, और 71 माइनस कर देंगे जो कि ई की एज है, तो 316 में से हम ये दो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 177। तो ये बी और सी की एज हमारे पास में आ गई है। ठीक है, बी सी की एज आ गई। उसके बाद में क्या बोला जा रहा है, ए का भार कितना है, यार मैं एज बोल रहा हूँ ना, सॉरी, इसके लिए देखिए मैं थोड़ा सा बोलते बोलते कंफ्यूज हो गया, एज एज का क्वेश्चन ऊपर चल रहा था, तो इसलिए एज एज बोल रहा हूँ। तो ये वेट आप समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो वेट है ए का भार आपको निकालना है, तो बी और सी का आपको वेट पता चल गया 177 है, तो यहाँ पे सबसे पहली लाइन देखिए, सबसे पहले लाइन ये देखिए, ए बी सी का लिखा है, तो ए बी सी का कितना है, 252। अगर मैं इसमें से बी सी माइनस कर दूँ, ए का पता चल जाएगा, तो 252 में से 177 माइनस कर दीजिए, तो ये 75 किलोग्राम ए का वेट आ जाएगा। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए का भार कितना है, तो ये ए का भार हो जाएगा आपका 75 किलोग्राम, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, आई थिंक, हाँ 7वां है। 9 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने गए, उनमें से 8 ने अपने खाने पर 12 रुपये प्रत्येक खर्च किए, और 9वें ने सभी 9 के कुल व्यय के औसत से 8 रुपये अधिक खर्च किए, उनके द्वारा खर्च किए गए कुल राशि थी। यहाँ पे आपको कुल राशि बताने, कुल खर्चा कितना हुआ है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। 9 व्यक्ति है, एक होटल में गए, खाना खाया, उनमें से 8 ने तो 12 रुपये खर्च किए प्रत्येक ने, फिर एक जो 9वां बचा उसने क्या किया, जो औसत खर्च हुआ है सभी का उससे 8 रुपये अधिक खर्च किए हैं। तो इसके लिए करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सभी 9 व्यक्ति का मैंने औसत खर्च मान लिया एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है 12 ने तो कितने खर्च किए हैं, सॉरी 8 ने तो खर्च किए हैं 12 रुपये, तो इसका मतलब टोटल खर्चा कितना हुआ 8 व्यक्तियों का, ये हो जाएगा आपका 96। ठीक है, जो आपका 9वां व्यक्ति था उसने क्या किया, जो खर्चा औसत खर्चा था उससे 8 रुपये अधिक खर्च किए, यानी कि औसत खर्चा मैंने क्या माना है, एक्स माना है, तो एक्स प्लस 8 इसने 9वें व्यक्ति ने खर्च किए, ये टोटल खर्चा हुआ है। ठीक है, और ये टोटल खर्चा किसके इक्वल है, 9 व्यक्ति गुना जो औसत खर्चा है, भाई जो 9 व्यक्ति है वो गुना करेंगे हम औसत खर्चे से, यही तो टोटल खर्चा आएगा, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 96 प्लस एक्स प्लस 8 और ये 9x हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स वालों को एक साइड में लेके आ जाएंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई, 8x हो जाएगा। देखिए ये 9x में ये जाएगा, फिर यहाँ पे ये दोनों आपके प्लस हो जाएंगे, ठीक है, तो इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 104, तो 8x बराबर 104 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 104 जाएगा 8 से तो 13 हो जाएगा। यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर हमें बताना था, टोटल जो खर्चा हुआ वो कितना था 9 व्यक्तियों के, तो 9 की गुणा 13 में कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 9x माना था हमने औसत, जो कि हमें पता चल गया एक्स की वैल्यू 13 है, तो ये 117 हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था, तो 117 इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका यहाँ पे, और इसका राइट आंसर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हो चुका है। किसी स्टेशन के रेलवे जलपान कक्ष में प्रतिदिन औसत 750 यात्रियों के 20 सप्ताहों तक खान पान प्रतिबंध के लिए रसद है, ठीक है, रसद है। यदि 4 सप्ताहों के अंत में यात्रियों का प्रतिदिन औसत 450 बढ़ता है, तो कितने दिन में रसद पर्याप्त होगी। देखिए जो आपका राशन का जो खपत है वो 750 आदमियों का 20 सप्ताह का हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे बोला जा रहा है 4 सप्ताहों के अंत में यात्रियों का प्रतिदिन औसत जो है वो 450 बढ़ जाता है। इसका मतलब हम क्या करेंगे भाई, जो हमारे पास कुल बचा हुआ होगा वही तो हम आगे के लिए चलाएंगे, तो 4 सप्ताहों के बाद बचेगा कितना आप खुद सोच के देखिए। हमारे पास टोटल कितना है, टोटल की वैसे ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ बस, 750 की अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 20 में, ये टोटल राशन हमारे पास है, ठीक है, खान पान का जो टोटल राशन है वो हमारे पास इतना है, 20 गुणा 750, बस इसमें से 4 सप्ताह का हमारे हम खर्च कर चुके होंगे, तो कितना बचेगा 16 सप्ताह का, 16 सप्ताह गुणा 750 करेंगे, अब ये हमारे पास बच गया है,
अभी, ठीक है। और ये खर्चा अब किस तरीके से होना है, ये खर्चा अब बढ़ा के करना है। बढ़ा के कैसे भाई, 750 खर्चा 750 यात्रियों के लिए था, अब 450 और बढ़ गए, इसका मतलब 750 और प्लस करेंगे 450 कितना हो जाएगा, 1200। तो ये 1200 को खर्च कराना है, तो ये कितने सप्ताह चलेगा ये आपको बताना है। वैसे तो ये आपका कितना था, 16 सप्ताह का था, बट जब हम इसको 750 से बढ़ा के 450, 750 से बढ़ा के 1200 खर्च करेंगे, 1200 पे खर्च करेंगे, तो कितने सप्ताह चलेगा ये आपको बताना है। देखिए और अच्छे से यहाँ पे समझ लेते हैं, हमारे पास रिमेनिंग ये बचा है 750 गुना 16, 1200 पे खर्च करना है हमें, क्योंकि 750 के बाद 450 और बढ़ गए, तो 12000 डिवाइड करेंगे 1200, तो ये कितना, 10 सप्ताह चलेगा बस आपका। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 सप्ताह, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको तीन क्वेश्चन देता हूँ जो मैंने आपको शुरू में बोले थे कि आपको वीडियो के एंड में तीन क्वेश्चन मिलेंगे, तो तीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 इसको ट्राई करिए, क्या इसका राइट आंसर रहेगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर नहीं होता है तो वो भी मुझे बताइएगा कि मेरे से नहीं हो पाया है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये एक आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी आपको घर से करके लाना है और कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताना है इसका। बाकी मैं इसकी PDF अपलोड करूंगा तो उसमें आपके राइट आंसर भी प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 एक ये है आपका क्वेश्चन, और ये तीनों क्वेश्चन औसत के हैं, और इनको जरूर ट्राई करके देखिए, जो भी आपका डाउट आता है, प्रॉब्लम आती है, वो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और देखिए दोस्तों, इन टेस्ट को जरूर परचेज कर लीजिए और लगाना स्टार्ट कर दीजिए अभी से, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। 20 टेस्ट अगर आप लगा लेते हैं ना, तो डेफिनेटली ये आप, मैं 100% के साथ कह सकता हूँ कि आपको ऐसा फील होगा कि मैं 20 एग्जाम दे चुका हूँ, RPF कॉन्स्टेबल के 20 एग्जाम दे चुका हूँ, और जिस दिन आपका एग्जाम होगा वो आपको लगेगा कि 21वां एग्जाम दे रहा हूँ, और 21वां एग्जाम जिस दिन देने बैठोगे ना, उस दिन 100% सिलेक्शन ले जाओगे, ये मेरे से लिखवा लो। तो ये जरूर आप प्रैक्टिस कर लीजिए। 120 रुपये बड़ी अमाउंट नहीं है ना, मैं इसको सेल कराना चाहता हूँ, बट आपका सिलेक्शन मेरे चैनल से हो जाए, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी, ठीक है। और उसमें डिस्काउंट आप ले सकते हैं सौरभ SPL यूज करके। देखिए 120 आपका तभी मिलेगा जब आप इस कोड को भरेंगे, ठीक है, अदरवाइज ये 149 के टेस्ट है, 149 रुपीज के। PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टोपी स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और या फिर डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हैं टॉपिक स्टडी टेलीग्राम पे जाके, ठीक है। आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, आपने वीडियो को लाइक शेयर कर दिया होगा, जिसने वीडियो एंड तक देखी प्लीज़ बताइएगा जरूर कि एंड तक देखी मैंने वीडियो को, और आपका दिन शुभ हो, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ऑल दी बेस्ट, वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।